नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीबी बैंको टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल की नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लेना। दोस्तों वीडियो को जरूर एक लाइक करना क्योंकि हम आपके लिए डेली वीडियो लाते रहते। इस वीडियो का जो टारगेट है लाइक की वो है 1000। प्लीज लाइक कर दीजिए और 1000 पूरा करने में मदद करिए। दोस्तों आज की लोन जो पर्सनल लोन दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट नहीं दिया जा रहा है, शॉर्ट अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको शॉर्ट अमाउंट चाहिए तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको मिल सकता है ऑनलाइन आधार कार्ड और पैन कार्ड से 3000 और 5000 रुपये शॉर्ट अमाउंट, और शॉर्ट टेन्योर भी मिलता है यहाँ पर। बहुत समय नहीं मिलता है लोन चुकाने के लिए यहाँ पर। अगर 3000 रुपये लेते हैं तो 14 दिन के अंदर आपको चुकाना पड़ेगा, और अगर 5000 रुपये लेते तो 21 दिन के। अगर इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा अर्ली सैलरी आपको चाहिए दोस्तों, यहां पर इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों यहां पर देखिए, ऐसे नहीं कि दूसरे बहुत सारे ऐसे मार्केट में फ्रॉड एप्लीकेशन भी और कंपनी भी फाइनेंस की आ चुके हैं जो आपको पहले प्रोसेसिंग फीस लेने की बात करते हैं दोस्तों, लोन देने की बात करते हैं और दोस्तों बोलते हैं कि पहले आप 3000 रुपए, 2000 रुपए या 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस, हमारा सर्विस चार्ज, ये फीस वगैरह सेंड कर दीजिए, उसके बाद लोन सैंक्शन होगा। दोस्तों ऐसे लालच में मत पड़िए, ये सब फ्रॉड्स लोग हैं दोस्तों, इग्नोर करिए। दोस्तों यहां पर आपको पहले नहीं लिया जाएगा, प्रोसेसिंग फीस 350 रुपए है और जीएसटी 18% की प्रोसेसिंग फीस 63 रुपीज है 3000 का। दोस्तों यहां पर अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा आपको 2587 रुपए, और दोस्तों 3000 रुपए दोस्तों आपको चुकाना पड़ेगा 3000 रुपए, ठीक है ना दोस्तों। तो 3000 रुपए क्या है, आपको पहले नहीं देना होगा, अमाउंट को डिडक्ट करते हुए आपके बैंक अकाउंट में भेजा दिया जाएगा। दोस्तों जो इंटरेस्ट है और दोस्तों प्रोसेसिंग फीस है वो पहले ही काट लेगा 3000 में। आपको चुकाना कितना पड़ेगा 3000 रुपए, लेकिन आपको मिलेगा कितना 2587 रुपए। दोस्तों यहां पर ये लोन पाने के लिए मान लीजिए 5000 की लोन चाहिए, दोस्तों यहां पर 21 दिन का टेन्योर मिल जाता है। और अगर आपको देखिए यहां पर देखिए 5000 का 5103 रुपए आपको चुकाना पड़ेगा और 4233 रुपए आपको बैंक अकाउंट में मिलेगा। 117 रुपए आपको जीएसटी 18% और टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 103 रुपए, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस 650 रुपए। तो दोस्तों जितना भी अमाउंट आपको चाहिए यहां पर डाल दीजिए और यहां पर आई एग्री टू द लोन एग्रीमेंट और लोन पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप करेंगे आपके मोबाइल नंबर पासवर्ड देना पड़ेगा, तो इसके इससे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, साइन इन तो नहीं करना है, पहले आपको रजिस्टर कर लेना है अपने मोबाइल नंबर से, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स देना है, पर्सनल इन्फो देना है। यहाँ पर आपका नाम, आधार नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया आधार कार्ड और पैन कार्ड से यहाँ पर लोन आपको मिल सकता है दोस्तों 3000 से 5000 का, जो कि शॉर्ट अमाउंट है, इमरजेंसी के तौर पर आप ले सकते हो। आधार नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर देना है, ईमेल देना है, मैरिटल स्टेटस देना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, घर में बच्चे हैं आपके खुद के, मैरिटल स्टेटस देना है, एडुकेशन देना है, जॉब इंडस्ट्री देना है, मंथली इनकम देना है, पैन कोड देना है, मतलब पैन कोड मतलब पैन कार्ड की जो अकाउंट नंबर है ना वो पैन नंबर, तो होम एड्रेस देना है, स्टेट सिटी फुल एड्रेस पिन कोड, कंपनी एड्रेस देना है, स्टेट सिटी फुल एड्रेस और पिन कोड। एक कंपनी एड्रेस कहाँ, जहाँ पर भी आप जो भी जगह पर काम करते हो, चाहे आप कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकान में, शॉप में काम करते हो, ऐसे कर्मचारी, ऐसे कोई कुछ भी वहाँ पर दे दीजिए पिन कोड वगैरह कन्फर्म कर दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, और आपको जो आधार कार्ड है उसको फोटो लगा देना है, आपको सेल्फी देना है, पैन कार्ड देना है दोस्तों। ये सब देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये प्रोसेसिंग में डाल दिया जाएगा। जब भी आप सबमिट कर देंगे ना ये लोन के लिए 3000 की या 5000 की, तो पहले आपको 3000 ही मिलेगा, 5000 एक साथ नहीं मिलेगा, पहले 3000 देगा, 3000 जैसे ही आप 14 दिन के अंदर चुका देते हो आप, उसके बाद 5000 देगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आप प्रोसेसिंग कर लीजिए, सबमिट कर दीजिए लोन के लोन में, और यहाँ पर लोन के लिए आपको प्रोसेसिंग करेगा, सबमिट करेगा, आपका चेक करेगा, उसके बाद दोस्तों ये लोन सैंक्शन करवा देगा आपका, ठीक है दोस्तों। ई साइनिंग हो सकता है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड वो आपके सामने रखिए, हो सकता है यहाँ पर ई साइनिंग भी करना पड़े दोस्तों। यहाँ पर ई साइनिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, जैसे क्रेडिट भी में हम देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा, और ये जो एप्लीकेशन है इससे आपको लोन मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, जैसे मैंने बताया आपको 1000 की लाइक टारगेट है मेरे दोस्त, लाइक कर देना और 1000 पूरा करने में मदद करिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा लेना दोस्तों। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।